प्रवासी कामगार भाइयों, आज 14 अप्रैल 2020 का दिन है। आज आपके सामने लुधियाना पुलिस की तरफ से दोबारा मैं राकेश अग्रवाल, कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना, हाजिर हूं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना संयम रखा हुआ है। कर्फ्यू के दिनों में भी आप पूरा पुलिस प्रशासन का साथ दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कोरोना के खिलाफ इस जंग को हमने जल्दी ही जीत लेना है। हमें आप सभी के इसी संयम और साहस की आशा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सरकार ने पहले ही किराए का बोझ आपके सिर से खत्म कर दिया है और आपको इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी किराए के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। मैं शहर की संस्थाओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में आप सबका साथ दिया और आप सबको समय समय पर लंगर और राशन की व्यवस्था। सरकार ने सभी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कारखाने, दुकानें सभी को बोल रखा है कि आपकी आपका पूरा ध्यान रखा जाए, आपके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए और आपको खाने पीने की कोई भी कमी आने ना दी जाए। हमने भी इंडस्ट्री मालिक को बोल रखा है कि आपको समय समय पर पैसे और राशन घर पहुंचाते रहें जहां पर आप रहते हैं। और पुलिस ने अपनी तरफ से उनको एक सुझाव भी दिया हुआ है कि 2500 रुपए प्रति माह का जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, पैसे के रूप में, राशन के रूप में, वो आपको जरूर दें। बाकी जो सरकार की हिदायतें हैं उस हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको राशन और पैसे दें जिससे कि आपका खर्चा चलता रहे। इसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए तो आप पुलिस प्रशासन को बताएं। ये समय संयम का समय है। कुछ भी हो, खाना मिले ना मिले, आपको अपना ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है, समाज का ध्यान रखना है। एक चीज आप जरूर देखें कि आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास खाना है, वो जब कभी भी लंगर आता है तो उस लाइन में ना लगे, क्योंकि लंगर एक लिमिटेड होता है, खाना लिमिटेड होता है, राशन लिमिटेड होता है। जिसके पास कोई चीज है वो अगर लाइन में लगता है तो बाकी लोगों के लिए कम पड़ जाता है। तो संस्थाओं का, पुलिस प्रशासन का, सरकार का इस समय साथ दें। जो आप कई, आप में से कुछ लोगों को सरकार की तरफ से पैसे बैंक में मिले हैं, उन पैसों का उपयोग करें, अपने लिए लंगर खरीदें, जिससे कि जो सरकार की जो सहायता है, जो एनजीओ की तरफ से राशन आ रहा है या जो दानी सज्जनों की तरफ से जो राशन आ रहा है, वो जरूरतमंदों तक पहुंच सके। अगर ये सारे ही आप प्रवासी भाई मेरा इस चीज में साथ दें तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी लुधियाना में, पंजाब में भूखा नहीं सोएगा। और हमारी पूरी कोशिश है इस तरीके का वातावरण आपको दें कि जिसमें कि आप इस मुसीबत की घड़ी का सामना कर सके। एक चीज और, इंडस्ट्रीज को भी धीरे धीरे परमिशन मिलती जा रही है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, काफी इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं और आप में से काफी लोग उन इंडस्ट्रीज में काम पर लग चुके हैं। कुछ जो रह गए हैं वो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे माहौल बन रहा है उसी हिसाब से सरकार से परमिशन आती जा रही है और वो बाकी की इंडस्ट्रीज भी जल्दी ही खुल जानी है। जो मुश्किल के दिन है वो थोड़े ही रह गए हैं। साथ में अभी पंजाब में जैसे कटाई का सीजन चालू हो रहा है तो उसमें भी आप में से काफी लोग उसमें मंडियों में जाके काम कर सकते हैं, खेतों में जाके काम कर सकते हैं। वहीं पे आपका रहने का अरेंजमेंट होगा, वहीं पे आपके खाने पीने का अरेंजमेंट होगा, आपको वहां पे जो भी आपकी जो मजदूरी है वो भी पूरी मिलेगी। तो उस हिसाब से कुछ लोग वहां पर भी अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक संयम की घड़ी है। ये आपके पास खाना हो ना हो, कुछ हो ना हो, आपने अपनी धैर्य का परिचय देना है। आपके पास ये समय है एक अपने आप को देशभक्त सैनिक प्रूफ करने का। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लुधियाना में है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं प्रशासन के, पुलिस के, उन पर बेझिझक बिना सोचे आप फोन कर सकते हैं। हम लोग केवल एक फोन की कॉल के अवे हैं। एक जैसे ही आपका फोन आएगा हम लोग इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएंगे, आपकी दुख तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आपको जो फोन हो, आपको प्रॉब्लम हो कि आपको खाना लंगर नहीं मिला उस दिन, राशन नहीं पहुंचा आपके पास टाइम से, या आपका मालिक जो है तनख्वाह देने में कोई आपको जो कोई टालम टोल कर रहा है, नहीं दे रहा है, या आपको कोई किसी तरीके का पास लेना है कर्फ्यू में मूवमेंट के लिए, या आपको कोई मेडिकल सहायता चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी सहायता हो,
लुधियाना पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप नंबर अपने स्क्रीन पर सेव कर लें और इनको नोट कर लें। ये तकरीबन 10-11 नंबर हैं, इनमें से आप कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं और पुलिस प्रशासन आपके पास एकदम से हाजिर हो जाएगा। आपकी किसी भी तरीके की दुख तकलीफ होगी, किसी भी आदमी के खिलाफ होगी, उसको हम लोग दूर करेंगे। इसके अलावा एक 112 नंबर है जो कि स्टेट कंट्रोल रूम का नंबर है, उसको आप डायल कर सकते हैं, उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। तो ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको हम लोग नहीं आने देंगे। आपके साथ पूरा प्रशासन, पूरी पंजाब गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब, डीजीपी साहब, सबकी सख्त हिदायतें हैं कि किसी भी तरीके का जो आदमी यहाँ बाहर से आके रह रहे हैं, काम के लिए आए हैं, उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और उस काम के लिए हम लोग पूरा दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि यहाँ पर इन दिनों में कोई भी किसी भी तरीके की प्रवासी मजदूर भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप संयम का परिचय देंगे, धैर्य का परिचय देंगे और हम लोग आपकी सेवा में हमेशा के लिए हमेशा हमेशा हाजिर हैं, 24 घंटे हाजिर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद।